हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। दोस्तों आज 21 जनवरी और आज ही के दिन रिजल्ट आने वाला है ग्रुप डी का या नहीं आ सकता है। इससे पहले कई बार जो है इसके बारे में न्यूज अपडेट हो चुका है, तो चलिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड जल्द ही ग्रुप डी परीक्षा के नतीजे जारी कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नतीजे 31 जनवरी तक या उससे पहले कभी भी जारी किए जा सकते हैं। तो जैसे कि उम्मीद जताई जाती थी कि 31 जनवरी को जारी होगा और आज वो डेट आ चुका है, तो देख लेते हैं कि हम लोग आज रिजल्ट जारी होता है कि नहीं। वैसे मैं हमेशा अपडेट रहता हूं वेबसाइट से और न्यूज़ और नोटिफिकेशन से आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूं टाइम टू टाइम। तो आज एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, उसके बारे में भी हम आपके बीच चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं ये पहले न्यूज़ बता देता हूं कि 31 जनवरी को जो बताया गया था कि रिजल्ट जारी होगा, हालांकि इसे लेकर कोई अधिकारी भी पुष्टि नहीं किया है। तो आज का मैं अपडेट बता देता हूं, बिकॉज ये 21 जनवरी को आने की संभावना बताई जा रही थी, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दिया। ये न्यूज मैं जनसत्ता का जो न्यूज पेपर होता है उसका लाइव मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आरआर यहां पे देखिए 13 फरवरी को आएगा अब रिजल्ट। तो ये डेट अब एक्सटेंड शायद हो चुका है या नहीं, या आज ही जारी होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर से एक न्यूज अलग से आ रहा है कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के बाद अब 1.89 करोड़ उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। indianexpress.com की खबर के मुताबिक रिजल्ट 13 फरवरी को जारी किया जा सकता है। रेलवे अधिकारी अंगराज मोहन ने यह जानकारी दी है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियली बताया जा रहा है कि अंगराज मोहन के द्वारा यह जानकारी दी गई है। कुछ माह पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने कहा था कि भारतीय रेलवे मार्च और अप्रैल 2019 तक 1 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भी भर्ती का काम पूरा कर लेगा और आने वाला भी वैकेंसी है 2.5 लाख के भी। पीयूष गोयल जी ने जो घोषणा किया था कि रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की वैकेंसी देगी थी। ये न्यूज तो लगभग ठीक ठाक है, लेकिन ग्रुप डी के रिजल्ट की अगर बात करें तो शायद ये डेट भी इस डेट को भी नहीं आने वाला है। डेट एक्सटेंड शायद हो चुका है क्योंकि न्यूज अपडेट कर दिया गया है, तो कम उम्मीद है आज आने की। अब 13 फरवरी को सबको इंतजार रहेगा। तो ऐसे ही मैं आपको न्यूज और नोटिफिकेशन से अपडेट कराता रहूंगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा दें ताकि आपको भी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए।